भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, जी हाँ पवन सिंह पहुँचे आबू धाबी के राम मंदिर में। जी हाँ, आबू धाबी के सरजमी पर यानी कि आबू धाबी के ज़मीन पर बन रहा है राम मंदिर। और इस राम मंदिर में पवन सिंह गए भी, वहाँ गाना भी गाया और वहाँ के जितने भी श्रेष्ठ आचार्य थे उनसे आशीर्वाद भी लिया। पता ही है कि इन दिनों पवन सिंह है दुबई में, और दुबई में है तो भाई दुबई में अगर राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ कैसे न जाएं। पवन सिंह ने ये सोचा दुबई घूमने से अच्छा है कि पहले राम भगवान के दर्शन हो जाएं, और इसके लिए पवन सिंह पहुँच गए दुबई में बन रहे राम मंदिर के यहाँ, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी ले गए, और साथ ही साथ वहाँ उन्होंने एक दमदार परफॉर्मेंस भी दी। आपको बता दें कि उनकी इस परफॉर्मेंस से लोग बहुत खुश भी हुए। ये पहली बार है और ये पहला मौका है जब कोई भोजपुरिया स्टार आबू धाबी में बन रहे राम मंदिर का दौरा कर रहा हो। भाई अब ये राम मंदिर तो आपको पता है कि किन कारणों से बन रहा है। जी हाँ, पीएम मोदी की एक बड़ी पहल के चलते वहाँ की ज़मीन पर वहाँ के रहने वाले भारतीयों के लिए राम मंदिर बनवाया जा रहा है। ऐसे में पवन सिंह जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं वो वहाँ दर्शन ना करने जाएं या वहाँ कट वो वहाँ दर्शन ना करने जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दुबई में रहने के कट तो दुबई में रहकर इस मौके का फ़ायदा बखूबी पवन सिंह ने उठाया। अगर मंदिर दिख जाए तो इससे अच्छा दिन क्या बन सकता है। तो भाई पवन सिंह हैं, पवन सिंह निराले हैं, उनकी बात सबसे अलग है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।